हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास तो पहले से ही एक वाइस स्टेडियम है, फिर से मैंने इसको क्यों ऑर्डर किया जो कि लगभग एक ही टाइप का वाइस स्टेडियम है। इसका एक कारण है दोस्तों, मेरा पहला वाला जो वाइस स्टेडियम था वो ये वाला था, वो एक्चुअली यहाँ पर देखिए क्रैक हो चुका है। असल में इसके ऊपर एक भारी चीज़ गिर गया था, इसके कारण ये टूट चुका है। ये तो टाटा टोमी का नहीं था, इसलिए ये तो जानते ही होंगे आप लोग कितना पतला था, इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए इसके ऊपर गिरने के कारण टूट गया है। शायद टाटा टोमी का होने के बावजूद भी टूट जाता क्योंकि एक भारी चीज़ गिरा था। इसके कारण मैंने एक स्टेडियम ऑर्डर किया। मैंने दो सेलर्स, इंडियन सेलर्स से बात किया था, लेकिन उनके पास सिर्फ बेब्लेड ही था, कोई भी स्टेडियम नहीं था। इसलिए मैंने अमेजोन पे जो स्टेडियम मुझे मिला वही मैंने ऑर्डर किया। लगभग ये दोनों एक ही टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इमेज में तो डिफरेंस था। देखते हैं कैसा यहाँ पर आया है। दोस्तों यहाँ पर पैकेजिंग तो एकदम ठीक ठाक ही है, कहीं पर भी ज़्यादा उतना डेंट तो नहीं दिख रहा है मुझे। पिछले बार जब मेरा ये वाला बॉक्स आया था, ये वाला स्टेडियम का, वो भी अमेजोन से आया था, लेकिन वो काफ़ी पिचका हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये तो एकदम ठीक ठाक ही दिख रहा है। पहले इसे ओपन करेंगे, फिर दोनों स्टेडियम को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। हालाँकि टाटोमी जितना तो ये कोई भी स्टेडियम अच्छा नहीं होगा, फिर भी काम चलाने जैसा तो होगा क्योंकि इसका प्राइस तो एकदम ही कम है। अगर आप लोग टाटा टोमी का एक नया स्टेडियम खरीदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा 3000 के या फिर शायद उसके भी ऊपर आएगा, और अमेज़ॉन से अगर ख़रीदना चाहे तो 10,000 के आसपास मिलता है। ये मुझे सिर्फ 899 रुपीज़ में मिला था। तो फिर चलिए पहले इसे ओपन करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। दोस्तों ये रहा स्टेडियम, मैंने उस कार्ड बॉक्स से इसको बाहर निकाला है। ये तो देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, कहीं पर भी डेंट नहीं है, फिर भी ओपन करके देखते हैं। ये तो है एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। मैं तो आप लोगों को ये ख़रीदने के लिए रिकमेंड तभी करूँगा अगर आप लोगों का बजट कम है तो, लेकिन अगर आप लोगों का बजट ज़्यादा है तो फिर आप टाटा टोमी का ही स्टेडियम खरीदें, क्योंकि उसका ख़राब होने का चांस या फिर टूटने का चांस बहुत ही कम होता है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। ये रहा स्टेडियम दोस्तों, ये वाला तो पतला ही है, ज़्यादा दिन शायद नहीं टिकेगा अगर ज़ोरदार हीट इसके ऊपर लगा तो। ये तो कहीं पर भी क्रैक नहीं है, एकदम नया प्रोडक्ट ही आया है, ठीक ठाक है। यहाँ पर थोड़ा सा धूल लगा हुआ है। और ये रहा दोस्तों, ये है मेन जो स्टेडियम है, ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है। जैसा कि छोटा छोटा आप लोग जानते होंगे, ये पिन जैसा थोड़ा सा डेंट कभी कभी रहता है, ठीक ठाक ही है। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मोटा प्लास्टिक लग रहा है मेरे पिछले वाले के हिसाब से। ये देखिए, ये जो पिछला वाला था ये काफ़ी पतला था, लेकिन उससे ये ज़्यादा मोटा है, इसलिए इसका क्वालिटी तो इससे मेरे पिछले वाले स्टेडियम से इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेन डिफरेंस। यहाँ पर कोई भी लॉक सिस्टम नहीं था और यहाँ पर ये लॉक सिस्टम है, यानी इसे आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, जो कि पिछले वाले में नहीं था, यहाँ पर आप इसे लॉक कर सकते हैं तो फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी लॉक सिस्टम नहीं था, लेकिन या इसके साथ जो प्लास्टिक आया था उसमें लॉक सिस्टम था, यही इसका मेन डिफरेंस है। और प्लास्टिक क्वालिटी में भी डिफरेंस है। दोस्तों मुझे तो नया स्टेडियम काफ़ी बेहतर लग रहा है इस स्टेडियम से, क्योंकि इसमें तो डिफरेंस आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, फिर भी और एक बार बताता हूँ। एक तो है ये देखिए, ये पॉकेट काफ़ी बड़ा है, और इसका देखिए पॉकेट कितना छोटा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें बेब्लेड इस पॉकेट में गिरने का चांस बहुत ही कम हो जाता था, लेकिन इस पॉकेट में बेब्लेड आसानी से गिर जाएगा। ये तो एक डिफरेंस है। और दूसरा जो डिफरेंस है ये लॉक वाला डिफरेंस है, यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर लॉक सिस्टम नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसका, ये काफ़ी एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये मोटा प्लास्टिक है, तो फिर मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा होना चाहिए। फिर भी परफॉर्मेंस वीडियो आएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा। और साइज़ के हिसाब से देखें तो एक ही है, साइज़ में डिफरेंस नहीं है। तो फिर दोस्तों प्राइस के हिसाब से ये तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसका बाय लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो तो इतने तक ही। लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। स्टेडियम पर बैटल वीडियो जल्दी आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये स्टेडियम तो दिखने में मेरे पहले वाले वाइट स्टेडियम से अच्छा है, शायद इसका परफॉर्मेंस इसमें भी अच्छा होगा, ये तो हम लोगों को बैटल वीडियो में ही पता चलेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले कोई रिव्यू या फिर बैटल वीडियो में। तब तक के लिए बाय।